जय श्री महाकाल दोस्तों, फ्रेम फ्रेंटिक्स में मैं के साकेत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमारी भारत सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस को जारी किया है। वेल दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में बात करूंगा। हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस गाइडलाइंस के तहत हमारे स्कूल रिफॉर्म्स और हायर लेवल पर क्या रिफॉर्म्स आए हैं, इन गाइडलाइंस से हमको क्या फायदे हो सकते हैं, इन गाइडलाइंस के हमारे लिए कुछ अगर नुकसान है तो वो भी क्या होंगे, हम इस वीडियो में उन सबके बारे में बात करेंगे। वेल, वीडियो ज़्यादा लंबा है इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो टुगेदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सेट किया गया है, ECCE, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से। ECCE का मेन ऑब्जेक्टिव होगा यूनिवर्सल एक्सेस टू एवरी चाइल्ड विद द एज ऑफ 3 to 8 ईयर्स, मतलब 3 से 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको 2 समूह में विभाजित किया जाएगा। पहला समूह होगा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों का और दूसरा समूह होगा 6 से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चों का, जो कि क्लास फर्स्ट और सेकेंड मतलब प्राइमरी लेवल में जाएंगे। अब जो 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उनको फ्री, सेफ और हाई क्वालिटी एजुकेशन मतलब मुफ्त, सुरक्षित और उच्च स्तरीय शिक्षा दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ECCE का मोड ऑफ लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगा, जो स्पेशली आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका भवन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगा। और जो 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको भी मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी दैट इज मल्टी फेसेटेड एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ECCE के अंदर एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है जो है प्रिपरेटरी क्लास का, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की आयु या उससे पहले के जो बच्चे होंगे जो क्लास फर्स्ट में प्रमोट होते हैं उनको एक प्रायर ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग बाल वाटिका और प्रिपरेटरी क्लास के नाम से इम्प्लीमेंट होगी और यहाँ इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है पर मैं आपको बता देता हूँ, वो है 3 मंथ्स का। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर FLN बाई Grade 3 मतलब अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाई Grade 3 इन मिशन मोड। इसका मतलब यह है कि 3 से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स अर्थात साक्षरता और संख्या ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का मानना है कि 3rd क्लास तक अगर बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता है तो उसको आगे की एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसकी लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स पर खास जोर दिया जाएगा। अब इसमें लिटरेसी के लिए जो एट्रीब्यूट्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसमें नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया है, जो कि बुक प्रमोशन इन पब्लिक स्कूल्स लाइब्रेरी को एक्सपैंड करेगी और डिजिटल लाइब्रेरीज को भी प्रमोट करेगी। न्यूमरेसी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड मैथमेटिक्स लर्निंग प्रोसेस पर खास ध्यान दिया जाएगा और जैसा कि हमने देखा था कि प्रिपरेटरी स्कूल्स और बाल वाटिका का गठन होगा जिसमें प्रिपरेटरी मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे फॉर ऑल ग्रेड्स। अब हम बात करते हैं मेजर करिकुलम चेंजेस की, मतलब पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या चेंजेस किए हैं। वेल, ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेफ्ट में हमारे एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो कि 10+2 सिस्टम पर बेस्ड होता है, मतलब 10 वर्ष और 2 वर्ष जो कि सेकेंडरी लेवल कहलाता है। राइट में न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है जिसको 5-3-3-4 के भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब 15 वर्ष का कर दिया गया है। इसमें पहले जो 5 वर्ष है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वर्ष में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आ जाएंगे, मतलब आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं। दूसरे भाग में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे जो क्लासेस फर्स्ट और सेकेंड के होंगे और यह जो लेवल है यह फाउंडेशनल लेवल कहलाएगा। आगे की 3 वर्ष क्लासेस 3rd to 5th के बच्चों के नाम के होंगे जिसको प्रिपरेटरी लेवल कहा जाएगा। उसके बाद के जो 3 वर्ष हैं वो क्लासेस 6th to 8th के बच्चों के लिए होंगे जिसको मिडिल सेक्शन का नाम दिया जाएगा और फिर आएगा क्लासेस 9th to 12th का टाइम जिसको 4 साल का टेन्योर किया गया है और उसको सेकेंडरी लेवल कहा जाएगा। और हर लेवल की फ्रेमवर्क मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज अलग अलग होंगी। फाउंडेशनल लेवल पर तो एक्टिविटी बेस्ड फॉर इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग या फिर मल्टी लेवल प्लेइंग एक्टिविटीज की जाएंगी। मिडिल क्लास पर जरूर कुछ नए चेंजेस किए हैं जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस एंड टेक मैथमेटिक्स, यूज ऑफ आर्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस लेवल में सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज को भी बराबर का दर्जा दिया जाएगा। इस पॉलिसी में क्लासेस 6th से ही बच्चों के लिए कोडिंग को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इन्हें नटशेल बात करूं तो मिडिल सेक्शन के लिए सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है।
और सेकेंडरी के लिए तो और भी बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम्स नहीं होंगे। जी हाँ, स्ट्रीम्स को इरेज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट्स मैथ्स लेता है तो मैथ्स के साथ वो फैशन डिजाइनिंग भी कर सकता है, और अगर कोई बायोलॉजी लेता है तो उसके साथ वो आर्ट्स, म्यूजिक या फिर होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी अडॉप्ट कर सकता है। अगर स्ट्रीम्स जैसा कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन पर अब कोई बंदिश नहीं होगी। इस करिकुलम का एक और ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेंपर जैसी स्किल्स को एम्पलीफाई करना। मतलब मैथमेटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को वैरायटी ऑफ इनोवेटिव मेथड्स जैसे लेक्चर्स, पजल्स के गेम्स के आधार पर फोकस किया जाएगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजाइन थिंकिंग मतलब अभी काल्पनिक मनोचिंतन, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग या एनवायरमेंटल एजुकेशन और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जैसे कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स को 6th to 12th लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं रिडक्शन इन करिकुलम की। जो नया पाठ्यक्रम इस बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसे एसेंशियल क्रेडेंशियल्स तक रिड्यूस किया जाएगा। मतलब जो ज़रूरी होगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। इस न्यू सिलेबस को एनसीईआरटी ही प्रिपेयर करेगी। क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरैक्टिव अप्रोच और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब रिसर्च बेस्ड और रिसोर्स बेस्ड करिकुलम हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ कुछ वोकेशनल कोर्सेज को भी मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर इंटीग्रेट किया गया है। अब इस पॉइंट पर भी ज़रा ध्यान दीजिए कि मिडिल लेवल से वोकेशनल एजुकेशन में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट होगा, मतलब बच्चा अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्टेड फील्ड के अंदर ट्रेनिंग ले सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है, जिसका ड्यूरेशन लगभग 10 डेज का होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। वेल ग्रेड 1 to 8 में क्लासेस 3rd to 5th तक सेंसस असेसमेंट होगा, जिसको लर्निंग आउटकम्स को कितना अचीव किया गया है इस पर असेस किया जाएगा। इस असेसमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव होगा रोट लर्निंग की आदत को खत्म करना। मतलब कि रट्टाफिकेशन की जो पद्धति हमारी शिक्षा प्रणाली में थी अब वह नहीं रह पाएगी। जो रिजल्ट्स प्रिपेयर किए जाएंगे एग्जामिनेशंस में वो होलिस्टिक डेवलपमेंट और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के आधार पर बनाए जाएंगे। सेकेंडरी लेवल मतलब 9th to 12th में एग्जाम्स किस तरह से होंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। बोर्ड्स का पैटर्न भी चेंज होगा, उसको इजी बनाया जाएगा। हालांकि पॉलिसी में अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जो पता चला है कुछ मेजर चेंजेस किए हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि एनुअल, सेमेस्टर सिस्टम या मॉड्यूलर एग्जाम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हो सकता है एग्जाम्स को 2 parts में भी डिवाइड किया जाए, मतलब साल में एक बार की जगह उसे 2 बार में लिया जाए। फर्स्ट फेज में ऑब्जेक्टिव और दूसरे फेज में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हो सकती हैं। इन सभी एग्जाम्स के कंट्रोल, गाइडलाइंस, असेसमेंट की मॉनिटरिंग के लिए एक खास संस्था को बनाया जाएगा। एक खास बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बिगनिंग विथ मैथमेटिक्स ऑल सब्जेक्ट्स कुड बी ऑफर्ड 2 levels। मतलब ये कि अब मैथ्स के अलावा भी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी 2 level पर डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। सो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल में किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है। होम लैंग्वेज हो सकती है या वो आपकी मदर टंग हो सकती है या फिर वो आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है अदर देन हिंदी और इंग्लिश। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बोर्ड्स में 3 languages में पढ़ाना अनिवार्य होगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी सभी स्कूल्स में ऑप्शनल रखा जाएगा। ये तो बात थी एग्जाम्स की, अब बात करते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब ये कि हमारे जो पुराने रिपोर्ट कार्ड हुआ करते थे अब उस तरह के रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर नहीं होंगे। अब रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री लेवल पर चलेगा, जिसको 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाएगा। इस 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में 3 तरह का मूल्यांकन होगा। मतलब 3 types ऑफ असेसमेंट विल बी प्रेजेंट। फर्स्ट विल बी सेल्फ असेसमेंट मतलब स्वयं का मूल्यांकन, देन पीयर असेसमेंट मतलब सहपाठी मूल्यांकन, और फिर टीचर्स असेसमेंट मतलब शिक्षक मूल्यांकन। इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को अब केवल एकेडमिक्स के आधार पर जज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशियो इमोशनल और साइकोमोटर डोमेन्स को भी असेस किया जाएगा। इन सब के लिए एक आर्टिफिशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, जो कि बच्चे की थ्रू आउट लर्निंग का रिकॉर्ड रखेगा, स्पेशली उन्होंने क्या लाइफ स्किल्स एक्वायर की है। 12th के बाद जब बच्चा स्कूल से जाएगा तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा और उसकी क्रेडेंशियल्स भी उसे उस सॉफ्टवेयर में सेफली मिल जाएगी। इन सब की गाइडलाइंस को परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब परख AKA नेशनल असेसमेंट सेंटर के तहत मॉनिटर किया जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हमारे लिए और क्या चीज़ें रखी हैं, जैसे कि हम बात करेंगे स्कूल पॉलिसीज़ की, कि इस एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल के लिए क्या नई पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होंगी, रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन की, हायर लेवल पर मतलब ट्वेल्थ के बाद के लेवल पर क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टीचर्स रिक्रूटमेंट एजुकेशन एंड डिप्लॉयमेंट पॉलिसीज़, और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है या आपके अंदर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन पर दीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों एक बात और, मैं इसकी जो बची हुई गाइडलाइंस है या बची हुई गाइडलाइंस के जो बचे हुए डिस्कशंस है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले आपको मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक्स देने होंगे, तो इसलिए प्लीज़ इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए अगर उन्हें पसंद आए तो वो भी इसको लाइक करें, क्योंकि जब इस पर 1000 व्यूज़ होंगे, 1000 शेयर्स होंगे, 1000 लाइक्स होंगे, शेयर्स भले 1000 ना हो बट लाइक्स और व्यूज़ तो 1000 दीजने की कोशिश करिएगा, अगर वो होगा तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड जय।